हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनियक स्टूडियोस। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेरे स्टूडियो सेटअप के बारे में। इस वीडियो के लिए मैंने प्लान किया था कि मैं जनवरी में ही न्यू ईयर पे बना दूंगा, जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक ये वीडियो बना दूंगा, बट वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई है। बट कोई नहीं, अभी भी हमारे पास 10 महीने अभी भी हैं। सो, आज मैं आपसे अपने सेटअप के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टूडियो सेटअप पे। एंड ये जो है ये 2022 में ये वीडियो आ रही है स्टार्टिंग में, एंड देखते हैं इस साल के लास्ट तक क्या क्या चीज़ें और अपग्रेड होती हैं एंड नेक्स्ट ईयर क्या क्या चीज़ें अपग्रेड होती हैं। अगर आज से पहले आप मेरी पुरानी वाली सेटअप की वीडियो देखोगे सो, काफ़ी ज़्यादा मैसिव अपग्रेड हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड हुई हैं। एंड अगर आप उससे भी पहले की वीडियो देखोगे 2018 की, तो मतलब खाली खाली सा लगता था, आज भी मुझे वो याद है। सो, अगर आप मेरा चैनल चेक करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। 2018 की अगर आप वीडियोस देखोगे तो आप कहोगे भाई साहब बहुत ही मैसिव अपग्रेड, बहुत ही सारी चीज़ें आप ऐड कर चुके हो अपने सेटअप में। एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, ये जो सेटअप अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसा मत सोचना कि ये एक दिन में ही बन जाएगा। नहीं भाई, 18 से मैं लगा पड़ा हूँ एंड धीरे धीरे कर करके इतनी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। एकदम से कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, 4 साल की मेहनत है यार, धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल ही आपका बजट बिल्कुल ही कम है, आप उसी में स्टार्ट कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनिशियल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही होगी। तो चलो, अब बातें बहुत हो गई हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सेटअप में क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने लाइट्स को ऑन कर दिया है सो दैट आपको चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सेटअप। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर्स की। तो फर्स्ट जो मेरा पेयर है, जो मेरा मेन स्टूडियो मॉनिटर्स का पेयर है, जिनको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, वो है एडम T7Vs। जैसा कि आप देख सकते हो स्टैंड पे प्लेस्ड है ऑलरेडी, इस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। देन जो मेरा सेकेंडरी पेयर है वो है यहाँ पे प्रेसोनस RS E5XT, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड आप देख रहे होगे यहाँ पे एक स्टूडियो मॉनिटर्स और है मेरे पुराने वाले KR के। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्टूडियो मॉनिटर्स है ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ये जस्ट एज अ स्टैंड मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट जो मेरे सेकेंड पेयर है Prisonus E5XT वो थोड़े से ऊपर हाइट पे हो जाते, सिर्फ इसलिए मैं KR के स्टूडियो मॉनिटर्स को यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे MIDI कीबोर्ड की। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ Arturia Keylab Essentials 61 कीज़ का ये कीबोर्ड है, MIDI कीबोर्ड है। इसको मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, ये साइड में होता है, साइड वाली टेबल पे होता है। एंड जब भी कोई मेरा फ्रेंड आता है या फिर किसी को MIDI कीबोर्ड यूज़ करना होता है या फिर मुझे कई बार यूज़ करना होता है, सो, उस केस में इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे टेबल पे कोई भी नीचे स्लाइडर नहीं है जिस पे मैं इसको प्लेस कर पाता। इन फ्यूचर मैं एक और भी कस्टमाइज टेबल यहाँ पे अपनी बनवाऊंगा, जहाँ पे अच्छे से कीबोर्ड की जगह भी होगी। मेरे पास एक छोटा MIDI कीबोर्ड और भी है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो, ये है यहाँ पे, ये MIDI कीबोर्ड है एंड इसको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ बिकॉज जब ड्रम्स वगैरह मुझे चाहिए होते हैं सो, मैं इसको यूज़ करता हूँ। एंड ये है नोवेशन लॉन्च की मिनी, आई थिंक इसका मॉडल था फर्स्ट, मेरा ये MIDI कीबोर्ड था, है। देन उसके बाद है यहाँ पे मेरे सेटअप की एक किलर डिवाइस, जैसा कि आप देख सकते हो अभी आपको लग रहा होगा कि ये ऑफ है, लेकिन ये ऑफ नहीं है, जस्ट इसको प्रेस करना है एंड आप देख सकते हो ये एक्टिव है, अभी कनेक्टेड है। ये डिवाइस किलर है मेरे सेटअप में। ये है एंटीलोप ऑडियो ZenGo सिनर्जी कोर ऑडियो इंटरफेस। किलर है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो काम आप इस ऑडियो इंटरफेस से कर सकते हो। वैसे एक ऑडियो इंटरफेस मेरे पास और है, जो कि है ये ऑडियंट EVO 4, सॉरी उल्टा पकड़ा था, ये मेरा सेकेंडरी ऑडियो इंटरफेस है। इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने सेकेंड सेटअप पे। सेकेंड सेटअप अभी बन रहा है, इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मेनली ये जो सेटअप होगा सेकेंड वाला, वो स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो अब बात कर लेते हैं हेडफोन्स के बारे में। सो, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हेडफोन्स। फर्स्ट है मेरे पास Sennheiser HT206। ये जस्ट मैं जब अपनी वीडियोज़ एडिट करता हूँ, जस्ट ये मैं तब यूज़ करता हूँ। एंड सेकेंड पेयर है यहाँ पे मेरे पास ऑडियंट EVO SR 2000। ये EVO बंडल के साथ मिलता है, हेडफोन अलग से आपको ये नहीं मिलेगा। सो, इस पे वैसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, सो, जाके आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। थर्ड हेडफोन्स है मेरे ऑडियो टेक्निका M50X। जैसा कि आप देख सकते हो
इनको मैंने परचेज करा था एंड पता नहीं क्यों मैं इनको काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हो इसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं एंड ये एकदम नए जैसे ही हैं, स्क्रैचेस भी नहीं है यार, मैंने इनको यूज़ ही नहीं करा है ज़्यादा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से माइक्स हैं। सो फर्स्ट आप ये देख सकते हो लेवेट LCT 440 प्योर, इससे मैं वॉइस ओवर्स वगैरह भी अब मैंने स्टार्ट करे हैं, काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है, छोटा सा क्यूट सा, एंड सबसे बढ़िया जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आपको और भी मेरे माइक्रोफोन्स दिखाता हूँ। तो ये है मेरे माइक्रोफोन्स का कलेक्शन, यहाँ पे सारे मेरे पास कंडेंसर हैं, जस्ट एक मेरे पास ये डायनामिक माइक है, सेनहाइजर XS1 माइक्रोफोन। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब मैं अपनी वीडियोस क्रिएट करता हूँ, सो वॉइस ओवर के लिए, वीडियोस के लिए, सिर्फ जो वीडियो में वॉइस ओवर होता है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एंड काफ़ी चीप ये माइक्रोफोन है। आई थिंक 2200-2200 इसकी प्राइस है, वैसे सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो सेकंड बात करते हैं माइक्रोफोन की, आपको दिख रहा होगा रोड, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसके पाउच को ओपन करूँ, तो यहाँ पे रोड का माइक्रोफोन नहीं है, यहाँ पे है SE इलेक्ट्रॉनिक्स X1A कंडेंसर माइक्रोफोन। देन यहाँ पे एक और पाउच है, इस पाउच में अगर आप ब्रांडिंग देखोगे सो यहाँ पे है ऑडियो टेक्निका, आई होप आपको दिख रही होगी, लेकिन अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो हमें माइक मिलता है वो है रोड NT1A। मतलब आप देख सकते हो क्या चीज़ें मैंने किस में डाल रखी हैं। तो यहाँ पे एक और पाउच है, यहाँ पे सेनहाइजर की ब्रांडिंग है जैसा कि आप देख सकते हो, बट अगर इसको हम ओपन करें, अभी गिरता माइक्रोफोन, तो यहाँ पे हमारे पास है ऑडियो टेक्निका 80-20-20, मतलब इधर का चीज़ उधर, इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर, क्या कर रखा है मैंने। देन एक ये पाउच है, सो इसमें है काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन MXL 990, काफ़ी फ्लैट साउंडिंग है एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है माइक्रोफोन, बट वॉइस ओवर्स के लिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज कुछ ज़्यादा ही हैवी है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमारे पास एक ये माइक्रोफोन है, आई थिंक इसका मॉडल है SR1 माइक्रोफोन, ये आपको मिलता है ऑडियंट का जो ईवो बंडल है उसके साथ आपको मिलता है माइक्रोफोन, अलग से नहीं मिलता है। तो ये थे मेरे कंडेंसर माइक्रोफोन का कलेक्शन। तो अब बात कर लेते हैं PC के भी बारे में, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा PC आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा आप स्क्रीन मॉनिटर यूज़ कर रहे हो। सो अभी जो आप देख सकते हो ये जो मॉनिटर है ये है LG 4K मॉनिटर, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसका जो साइज़ है वो है 27 इंचेस, ये फ्लैट मॉनिटर है। एक मेरे पास 27 इंच का मॉनिटर और है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है मेरा सेकेंडरी मॉनिटर, ये है सैमसंग का 27 इंचेस का कर्व्ड मॉनिटर, ये 4K नहीं है, ये 1080 मॉनिटर है, ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर्ड टू ये फ्लैट स्क्रीन वाला 4K वाला LG का जो मॉनिटर है, मैं इसमें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ देखना। एंड इसमें स्पीकर्स भी हैं, LG वाले में स्पीकर नहीं है। एंड नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो अभी वैसे LEDs मैंने सारी बंद कर रखी हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ये एक बॉक्स पड़ा है जो कि मुझे पार्सल करना है अरिन जॉय रॉय को, बिकॉज वो गिव अवे जीते थे, सो ये गिव अवे का पार्सल है। आई थिंक जब तक आप वीडियो देखोगे शायद ये पार्सल, ये जो पैकेट है, ये जो बॉक्स है, ये कुरियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो सबसे हैवी चीज़ है, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है, वो है ये PC। मतलब इसकी हमने बात ही नहीं करी, पहले बात करनी चाहिए थी, अब बात कर रहे हैं। ये जब मैंने लिया था विंडोज़ PC है, वैसे मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वो वायर्स वगैरह दिख रही हैं, गंदी गंदी वायर्स दिख रही हैं, इसलिए मैंने इसको नीचे करा था। मैं आपको टेबल के नीचे भी दिखाता हूँ, बहुत सारी वायर्स हैं, वैसे अच्छा तो नहीं लगता बट आप फिर भी देख लो ये केबल मैनेजमेंट मेरा कितने अच्छे तरीके से मैंने मैनेज करा है, वायर्स पूरी की पूरी फैली हुई हैं। तो माइट भी एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। PC के बारे में बात कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग में जब मैंने PC लिया था, कॉन्फ़िगरेशन तो बताऊँ, कॉन्फ़िगरेशन है इसकी i9 प्रोसेसर है, 9th जनरेशन 9900K प्रोसेसर है, इसमें रैम है 32 GB, स्टार्टिंग मैंने 16 ली थी, बाद में फिर 16 मैंने ऐड करी थी। इसके अलावा GTX 1660 Ti इसमें ग्राफिक कार्ड है ऑरस का, उसके अलावा CPU कूलर वगैरह सब कुछ है। एंड स्टोरेज की बात करें, सो स्टोरेज में इसमें है 1 TB की SSD, NVMe दो है, एक WD एंड एक Crucial, उसके अलावा 2 TB WD SSD जो नॉर्मल SATA SSD होती है, 1 TB की हार्ड ड्राइव WD की, वो आई थिंक है
7200 RPM वाली। इसके अलावा एक किंगस्टन की 120 GB की और SSD है जिसपे एक सेकेंडरी विंडो इंस्टॉल्ड है जहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करता हूँ। सिस्टम के बारे में भी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जब स्टार्टिंग में मैंने इसमें स्पेंड किया था 112,000 के अराउंड कुछ इसके पार्ट्स वगैरह थे, चीज़ें ली थी। देन उसके बाद मेरे को पता था कि इतने में तो सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। देन थोड़े टाइम के बाद मैंने 3-4 महीने के बाद मैंने इसमें आई थिंक GPU लिया था, ग्राफिक कार्ड लिया था 1660 Ti। फिर थोड़ा सा और रुकने के बाद, 3-4 महीने और रुकने के बाद मैंने इसमें एक SSD ऐड करी थी एंड रैम ऐड करी थी 16 GB की। स्टार्टिंग में मैंने 16 GB ली थी एंड जो स्टोरेज थी वो आई थिंक 1 TB की SSD थी एंड एक 120 GB की शायद मेरे पास SSD थी। देन धीरे धीरे करते 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 मैं इसमें चीज़ें अपग्रेड करता रहा एंड रिसेंटली अभी मैंने इसमें ऐड करी है 2 TB की SSD। इनफैक्ट मेरे पास 2 SSD हैं, इनफैक्ट मेरे पास 4 हैं। मैंने 2 SSD अभी ली थी, SATA SSD एंड एक मैंने ली थी हार्ड ड्राइव 2 TB की जो कि मैं एक्सटर्नली यूज़ कर रहा हूँ। तो 2 SSD एंड एक हार्ड ड्राइव मैंने ली थी 2 TB ईच। सो ये है SSD एंड ये है हार्ड ड्राइव, लैपटॉप वाली थी, दोनों का केस अलग से लिया एंड एक्सटर्नली मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। सारा का सारा बैकअप भी इसमें है। सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप जाके चेक कर सकते हो उनकी लेटेस्ट प्राइस। एंड जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐड होती हैं, टाइम लगता ही है। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इतना बड़ा आप मत सोचो, लेकिन इनिशियली अगर आप सोचोगे तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप काफ़ी कुछ काम अच्छा कर सकते हो। तो ये था वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ अपने सेटअप में। अगर आप सोच रहे हो कि पूरे रूम का आपने, अपने स्टूडियो रूम का आपने टूर नहीं दिया, तो वो मैं देने वाला नहीं हूँ, वो मैं पहले बना चुका हूँ। एंड एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो अगर आप फोम्स देख रहे हो तो यहाँ पे ये फुल्ली अकूस्टिक ट्रीटेड नहीं है, सेमी अकूस्टिक आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे मैं अभी अपने घर में रह रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास एक सेपरेट रूम नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेरे पास एक सेपरेट रूम नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक ये ड्राइंग रूम का पार्ट है एंड ये मैंने अपना स्टूडियो सेटअप बना रखा है। यहीं पे हम चीज़ें करते हैं, अगर कोई गाने रिकॉर्डिंग के लिए आता है सो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर कुछ कॉम्पोजिशन होता है वो करते हैं, थोड़ा बहुत काम जो भी होता है हम करते हैं। एंड यहाँ पे ऑफलाइन एक और सेटअप है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया है अभी बिकॉज़ वो बिल्ड हो रहा है। वहाँ पे धीरे धीरे जैसे कोई ऑफलाइन स्टूडेंट है, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं, सो उनके लिए एक नेक्स्ट यहाँ पे सेटअप रेडी हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मेरे को कमेंट्स में आप बताना कि कैसा लगा है आपको मेरा सेटअप। एंड आई एम श्योर अच्छा ही लगा होगा बिकॉज मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।